Raj Electronics and Home Appliances. Loan facility available. New Vishwakarma Enterprise and Furniture. All types loan available. 4 number serial par Sanju Kumar Wadekar sahab ko jaat paat dharma mazhab garibi amiri sab chhod kar vote dekar jita kar inko vidhan sabha bhejna hai. Ek BJP candidate hai, unko dance karne se kuch aata hi nahi. To mic chalu karo, dance karte hain, generator chalu karo, dance karte hain. Jab Kashmir file ka mudda tha kahte, jab hijab ka masla tha communal issue the tab kahte, tab janata dal secular ke Mallikarjun Khurge sahab Sabani Khadri sahab ground mein the. न्यूज 24 बसु कल्याण में आपका स्वागत है। बसु कल्याण JDS कार्यकर्ता मीटिंग में JDS वर्किंग प्रेसिडेंट आकाश खंडाले ने कार्यकर्ता मीटिंग में अपोजिशन पार्टी पर निशाना साधा। देखते रहें न्यूज 24 बसु कल्याण। डेली खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे पार्टी के एक्स एमएलए मल्लिकार्जुन खोबा साहब हमारे पार्टी को पिछले 2 साल से जिन्होंने लेके गए, हमारे हरदिल अजीज नेता सैयद अशरफ अली खादरी जी, मेरे बड़े भाई अरशद महागावे जी, और अभी अभी जिन्होंने अपने दिल की बात कही ऐसे बाबा चौधरी साहब, और हमारे मार्गदर्शक शब्बीर पाशा मुजावर जी, और आए हुए सभी हमारे जनता दल के कार्यकर्ता, हमारे मित्र परिवारगण, साथियों, हमको आज हम ऐसे पड़ाव पे आके ठहरे हैं जहां पर हमको ये डिसाइड करना है कि लड़ाई लड़नी कैसी है। जब तक टिकट डिक्लेयर होता है तब तक हमारे व्यूज अलग रहते हैं, हमको कोई पसंद रहता है, कोई ना पसंद रहता है, कोई किसी को ज्यादा पसंद रहता है, कोई कम पसंद रहता है, लेकिन एक बार जब बी फॉर्म दिया गया है, एक बार जब कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ है, तो हम सब मिलकर साथ मिलकर काम करना, ये हमारी पार्टी की लॉयलिटी है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज आधा इलेक्शन खत्म हुआ है, अब बचा सिर्फ आधा इलेक्शन है। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं तुम्हारे पास ग्राउंड नहीं है, ये उनकी गलत फहमी है। पिछले 2 साल में अशरफ अली खादरी साहब ने गांव में जाकर ग्राउंड बनाया है, बाबा चौधरी साहब एमएम से कैंडिडेट थे, उनका ग्राउंड है, खुबा साहब पिछले 20 सालों से 2 बार इस पार्टी से एमएलए है, उनका ग्राउंड है। हमारे पार्टी का नसीब कितना अच्छा है, देखो, एक एमआईएम के कैंडिडेट, इलेक्शन के एमएलए कैंडिडेट, एक जेडीएस के एमएलए कैंडिडेट, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, एक कोली समाज के कैंडिडेट, इतनी सारी शक्ति हमारे पार्टी में है, तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं? हम पीछे रहने वाले नहीं है। आने वाला समय जनता दल सेक्युलर का होगा। एक कांग्रेस पार्टी है, एक उनके कैंडिडेट है, उनको 100 लोगों का नाम लोगों तो नाम नहीं आते, उनको सिर्फ 2 लोगों का नाम आते, कौन सा? हाजी और क्या जी, किसको भी जाए दो ही बोलते हैं, हाजी और क्या जी, हाजी और काजी के साथ दूसरा नाम पता नहीं। एक बीजेपी कैंडिडेट है, उनको डांस करने से कुछ आता ही नहीं, तो माइक चालू करो डांस करते हैं, जनरेटर चालू करो डांस करते हैं, ऐसी परिस्थिति बीजेपी कैंडिडेट की है। और तीसरा हमारा कैंडिडेट है जो शोषित समाज में, वंचित समाज में पिछले 20 सालों से काम किया है। कहां थे जब कश्मीर फाइल का मुद्दा था, तब कहां थे लोग? कोई नहीं था, संजू कुमार वाडेकर साहब थे, रोक ठोक बात कर रहे थे, लोगों के लिए काम कर रहे थे। कहां थे जब हिजाब का मसला था, कम्युनल इशू थे, तब कहां थे? तब जनता दल सेक्युलर के मल्लिकार्जुन खोबा साहब और सबली खादरी साहब ग्राउंड में थे। तो सिर्फ सेक्युलरिज्म के बात करने से सेक्युलरिज्म टिक नहीं सकता, उसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा दिखना भी जरूरी है। आज इस पार्टी को जिंदा रखने का काम जिन लोगों ने किया है, आज हमारी लड़ाई है। आज हम सब लोग एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। हर पार्टी में, हर परिवार में उतरे रहते हैं, भाई भाई का नहीं जमता, लेकिन जब हमारे उसूलों की बात आती है, आज बसु कल्याण में क्या माहौल चल रहा है आप देख रहे हैं। जिनके पास वोट नहीं मिल रहा, जिनको लग रहा है हम आज हार रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? हड़ोच मुद्दा निकल रहा है, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का, उनका नाम लेने से इनको लग रहा है कि हमको वोट मिलेंगे, लेकिन ये बसु कल्याण है, विश्वगुरु बसवन्ना की कर्मभूमि है। बसवन्ना ने तब हमको कहा था कि मैं को किसका, मैं इसका, ये मत कहो, हर एक आदमी हमारा कहो, तुम हमारा कहो, हम हमारा कहो, ये संदेह बसवन्ना जी ने दिया है। तो इस भूमि पे जो कम्युनल इशू है, इस भूमि पे कम्युनल इशू नहीं चल सकते। जितना प्यार हम छत्रपति शिवाजी महाराज से करते हैं, जितनी विचारधारा बसवन्ना की रखते हैं, उतनी ही विचारधारा, उतना ही प्यार हजरत टीपू सुल्तान साहब के बारे में हमारे दिल में है, ये आने वाले समय में हम बता देंगे। कोई माइका लाल हमारे दिल से टीपू सुल्तान साहब का प्यार, टीपू सुल्तान साहब के विचार नहीं हटा सकता, ये बात मैं ठोक से कह रहा हूं।
दो साल पहले हम अभी भी खादरी साहब यही है, मेरे पास फोटो है, जनता दल सेक्युलर के ऑफिस में, जनता दल सेक्युलर के ऑफिस में हमने टीपू सुल्तान साहब की जयंती मनाई थी साथियों, जिन्होंने हमको आजादी के लिए काम किया, हमको उनके लिए जानना जरूरी है। तो मैं आज इतनी बात कहता हूँ, हमारे कार्यकर्ताओं को निराश होने की जरूरत नहीं, हमारे पार्टी में यशव अली खादरी साहब, मल्लिक अर्जुन खुबा साहब, बाबा चौधरी साहब और हमारे वाड़ेकर साहब की जो शक्ति है, अगर हम ये चारों लोग साथ में मिलकर काम करेंगे तो कांग्रेस और बीजेपी वालों को टॉर्च लेकर ढूंढे तो भी ये लोग मिलने वाले नहीं है। मैं ज्यादा बात न करते इतने ही कहूंगा, आज हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है, 2022 का चुनाव सिर्फ वाड़ेकर साहब का चुनाव नहीं, हम कार्यकर्ताओं का चुनाव है। अगले 5 साल तक हमारी पार्टी कैसे रहने वाली है ये आने वाले 13 तारीख को बोलने हुए, इसके लिए आने वाली 13 तारीख को 4 नंबर सीरियल पर संजू कुमार वाड़ेकर साहब को जात पात धर्म मजहब गरीबी अमीरी सब छोड़कर वोट देकर जिताकर इनको विधानसभा भेजना है। एक निर्णय करते हुए मेरे दोस्त साहब सलाम करता हूँ, जय हिंद जय जय देश।